अलहमदुल्ला। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये बात आपने लाजमी शेयर करनी है बहुत सारे लोगों के साथ। एक ग्रो है बेसिकली, अब ओमान में भी सरगर्म हो गया। पहले यूएई और सऊदी से तो मुझे खबरें आ रही थी, लेकिन ओमान में भी अब इस तरह की हरकतें शुरू हो गई कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे पास टिकट्स हैं, फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद को ये 20 तारीख को, उसकी हम टिकट दे रहे हैं 195 रियाल की। सो बहुत सारे लोगों को आज उन्होंने बुलाया भी एक जगह पे कोई अपना 5 बजे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। सो ये ग्रो मेरा ख्याल है कि लोगों को चूना लगा के भागने वाला है। सो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अब आगे लोगों को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी। देखिए, टिकट का प्रोसीजर जो फ्लाइट का है वो बहुत सिंपल है। एम्बेसी आपसे रब्ता करेगी, आपसे कन्फर्मेशन लेगी। जब आप कन्फर्मेशन आपकी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपसे जो है जो PIA के या फिर जो उनका ऑथराइज जो ट्रैवल एजेंट है वो रब्ता करेगा, उसके बाद ही आपको सिर्फ टिकट मिल सकेगी। अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको टिकट दे देता हूँ, आप आ जाएं 5 बजे और 195 रियाल और इस्लामाबाद की फ्लाइट, सो कोई फ्लाइट नहीं है इस्लामाबाद की 20 तारीख को, नंबर वन। तो और नंबर टू, कोई भी बंदा इस तरह टिकट नहीं बेच सकता। अगर वो बेच भी रहा है तो वो फिर इसका मतलब है कि उसकी कोई मिली भगत है। बहरहाल, आप इस तरह के तमाम लोगों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग बेचारों ने जिन्होंने पाई पाई जमा की है अभी मुश्किल से, वो बच जाएं इस फ्रॉड से। ओमान की ट्रैफिक तकरीबन 60 से 65% बहाल हो गई है अलहमदुल्ला। ये सबसे मसरूफ शहर है सुल्तान काबूस स्ट्रीट, जो इस वक्त आप देख रहे हैं रवा दवा है, और ये है अल खुएर का एरिया पूरा। ऑफिसेज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज सल्तनत में हुए टोटल 810 केसेस, उसके साथ ही टोटल तादाद जो है वो 26079 हो गई है। 116 जो है वो टोटल डेथ हैं, और रिकवरीज जो है वो आज की सिर्फ 708 है। सो अल्लाह आसानियाँ फरमाए, केसेस जो है वो मुसलसल मतलब ऊपर ही हैं और रहेंगे भी, क्योंकि अभी सब कुछ खुला हुआ है ऑलमोस्ट। तो लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर ओवरकम करेंगे।